हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बकिया में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं संडे अपडेट दूंगी। तो जो भी मेरे गार्डन में अभी काम हुआ है और पौधे सब किस हाल में है इतने तेज धूप में फ्रेंड्स, तो वही आप सबको दिखाऊंगी। तो वीडियो पूरे ज़रूर देखना, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर ही करना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करना। और देखिए हमारा जेट प्लांट कितने अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं। वैसे ये पौधा पहले से भी अच्छे ग्रोथ पे अब आ रहे हैं फ्रेंड्स, जब से फर्टिलाइज़र दी हूँ। और यहाँ पे देखिए जो बीज सब डाली थी तो वो सब पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इस सब को यहाँ पे रख दी हूँ, यहाँ पे पूरे दिन के धूप में ही है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ज़्यादा छाए वाले जगह में रखते हैं तो फिर ये लेगी लेगी हो जाते हैं। देखिए सनफ्लावर का है तो इसमें चार पत्ते दोनों में निकल आए हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जिनिया के पौधे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना फ्रेंड्स, और मेरे पेज को लाइक करना। मेरे पेज का नाम है एंडी लवली गार्डन। तो फ्रेंड्स ज़रूर ही आप सब विजिट कीजिए। और देखिए यहाँ पे हिबिस्कस सब कितने सारे खिले हुए हैं, तो हिबिस्कस बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ना हिबिस्कस, और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो इस वाले का फूल बहुत ही बड़े साइज में होता है फ्रेंड्स, और इसमें अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं। और ये पौधा भी हमारा अच्छे ग्रोथ पे आ गया है अब, तो कुछ ही दिनों में ये भी खिलने लगेगा। और इधर भी देखिए तो यहाँ बोगनविला देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पोर्चुल का सब भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और ग्लोई में भी पत्ते सब आ रहे हैं। और इधर हिबिस्कस, तो हिबिस्कस में भी इस वाले में भी फूल है फ्रेंड्स, आज खिला हुआ दो फूल है। और इधर सारे तो देखिए इसमें पर्सलेन है, सॉरी फॉर्चून का, तो ये देखिए हाइब्रिड वैरायटी में है, इसके कलर बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर सारे पर्सलेन फॉर्चून का ही लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो एक जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छे से ये पूरे भर जाएगा। और इधर देखिए इसमें कितने सारे फूल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है फ्रेंड्स। और बीच गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल आते हैं, तो इस पौधा को अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करो फ्रेंड्स। जिसके पास नहीं है ये कनेर, तो कनेर भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है। और देखिए ये दूसरी बार फिर से खिलना स्टार्ट हो गया है, और ये हमारा गुलदाउदी। और ये देखिए ये टिकोमा बेल है, कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये भी। तो इसमें हमारे गार्डन में फ्रेंड्स फूल नहीं आए हैं। और यहाँ पे मिर्ची, तो देखिए कितने सारे मिर्ची लगे हुए हैं, पिछली बार ही ऐड की थी तो पिछली बार भी इसमें फूल नहीं आए थे, अब इस बार देखती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा पिटोनिया कितने भर के अभी भी खिल रहा है। और देखिए कल मैं ये जो मुरझाए हुए फूल सब थे वो नहीं हटाई थी, तो आज बहुत सारे हैं तो मैं हटाती रहती हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं बीज बनने के लिए भी छोड़ देती हूँ, डंठल के साथ नहीं तोड़ती हूँ फ्रेंड्स। और हमारा ये जाफरी गेंदे का, तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं। और यहाँ पे डॉग फ्लावर, और इधर देखिए देंथस, तो देंथस कितने अच्छे से अभी खिल रहे हैं। और इसमें से मैं एक ब्रांच निकाल के फ्रेंड्स कटिंग लगाई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो अभी भी आप इसका कटिंग लगा सकते हो, तो देखिए मैं कटिंग लगा के यहाँ पे कोने में रख दी हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं लगती है। और देखिए कल ये फूल खिला हुआ था इसलिए मैं नहीं हटाई, अभी इसे मैं ब्लेड से कट कर दूँगी, नहीं तो ऐसे तोड़ूँगी तो नीचे से उखड़ जाएगा, फिर ये पौधा नहीं लग पाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो बनाने के बाद मैं उस सूखे हुए फूल को कट कर दूंगी, और बहुत अच्छे से अभी खिल रहे हैं। तो अभी भी आप इसका कटिंग लगा सकते हो, ये कटिंग से ही लगा हुआ पौधा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका मेन पौधा जो था वो ख़राब हो गया था। और यहाँ पे देखिए पिंक कलर में फॉर्चून का खिला हुआ है आज यहाँ पे दो, और कहीं कहीं ये खिलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं खिल रहे हैं, देखिए पर्सलेन में भी कली बन रही है, तो अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं खिल रहे इसीलिए अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और यहाँ पे देखिए स्पेटर प्लांट में देखिए मैं ऊपर बांध दी थी, देखिए यहाँ पे कुछ ये बीज बन रहा है या क्या है, जहाँ से फूल सूखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे दाने की तरफ तरह है, जैसे लग रहा है कि बीज बन रहा है, तो मैं इसे हटाऊँगी नहीं अभी, देखती हूँ। और ये हमारा जेड प्लांट, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा और लंबा होगा, फिर मैं ऊपर से कट करूँगी इसको। ये नीचे से जितने भी आ रहे हैं तो इसका
बोनसाई बनाऊंगी, इसीलिए मैं ऊपर की तरह सारे बांध के ये बढ़ा रही हूँ। और इसमें भी देखिए यहाँ दो हिबिस्कस है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी भी आप हिबिस्कस के पौधे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, अगर आपको कोई कलर पसंद आ गया या आपके गार्डन में वो कलर नहीं है। और ये चंपा तो देखिए कितने तेज़ी से अभी बढ़ रहा है, तो अभी आप हिबिस्कस कनेर के पौधे ला सकते हो फ्रेंड्स। और नर्सरी में अभी बहुत सारे कलर अभी इस टाइम मिलते रहते हैं फ्रेंड्स, तो अभी आप पौधा ले आओ। और अगर आपको लगता है कि अभी हम इसको लगाएंगे तो पौधा सूख जाएगा, तो आप सिर्फ पन्नी निकाल के किसी पॉट में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देना। बारिश के टाइम में फ्रेंड्स आप उसमें अच्छे से उसे रिपोर्ट कर लेना, अगर लाल मिट्टी में है तो वो हटा के ही लगाना पड़ता है, नहीं तो पौधे अच्छे से चलते नहीं हैं। तो देखिए ये सब मैं ऐसे ही लगाई हूँ फ्रेंड्स, और अगर हम इस गर्मी में पूरा मिट्टी हटा के लगाएंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। अभी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो, तो जो भी कलर पसंद है तो वो अभी आप ला सकते हो फ्रेंड्स, अभी ठीक ठाक रेट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मिर्ची का पौधा है, देखिए इसमें कितने सारे मिर्ची के फूल बन रहे हैं, तो इसमें फिर से बहुत सारे मिर्ची आएंगे। और यहाँ पे देखिए अरवी, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स स्नेक प्लान के पत्ते लगाई थी, तो देखिए पत्ते से पौधा ग्रो हो रहा है, तो पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। और इधर देखिए पॉट सब खाली है, इसमें मिट्टी जो उस दिन बनाई थी तो भर के रख दी थी। तो अब जिनिया सब के पौधे इसमें रिपोर्ट करूँगी। यहाँ पे दोनों में मिर्ची लगा हुआ है, तो अभी मेरे गार्डन में मिर्ची के पौधा बहुत सारे लगे हुए हैं और नए नए उग भी रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए स्नेक प्लांट में ये दूसरा पौधा निकल आ रहा है, तो इस टाइम में स्नेक प्लांट के बेबी प्लांट निकलते रहते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए कैलेंडुला के फूल है, इसमें भी स्नेक प्लांट के पत्ते लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए अभी जिनिया के दो पौधे निकाल के मैं इसमें लगाई हूँ, ये छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स, पर मैं निकाल के इसमें लगा दी हूँ, छाए वाले जगह में रख दी हूँ, तो उम्मीद है कि ये लग जाएगा। और इधर देखिए सारे पौधे सब ठीक ठाक चल रहे हैं फ्रेंड्स, जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स तब वो पुरचुलखा सब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और ये देखिए नारी के फूल है, कर्मी साग हम लोग इसे कहते हैं, तो इसे मैं फूल के लिए ही अपने गार्डन में रखती हूँ फ्रेंड्स। ये सर्दी में बिल्कुल सूख जाते हैं, फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स, और पूरे गर्मी है इसमें ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद फूल आते रहेंगे, बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। और इस समय देखिए सभी में कली बनना स्टार्ट हो गया है, जितने भी पोरचुलका है, तो फ्रेंड्स हम तोड़ तोड़ के कटिंग लगाते रहते हैं तो इसीलिए फूल नहीं आते हैं, तो अभी मैं तोड़ना थोड़ा कम कर दी हूँ, पर कोई कोई मांगने आ जाते हैं तो तोड़ के देना ही पड़ता है फ्रेंड्स। अब मैं अपने गार्डन में अब किसी भी ग्रो बैग में नहीं लगाऊँगी, मैं छोटे छोटे बहुत से ग्रो बैग में लगा के रखी हूँ। तो फ्रेंड्स यही सब अभी हमारे गार्डन में चल रहे हैं, पौधे सब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पर अभी छोटे छोटे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो गार्डन उतना हरा भरा नहीं लग रहा है। और गर्मी में सारे पत्ते सब झड़ गए हैं, तो जैसे बारिश स्टार्ट होगी पत्ते से बहुत अच्छे से आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स।